सिवनी जिले के लखनादौन सिविल अस्पताल में लापरवाही के चलते फिर एक मरीज की मौत। जानकारी के मुताबिक रैली गांव के रहने वाले मुन्ना लाल को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इलाज में लापरवाही बरतने के कारण मरीज की मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि इस मामले में जब अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सर, हम पिताजी को लेके आए, हल्का सा सीना में दर्द था सर, पड़ते थी सर को दिखाए, उन लोगों ने देखा और एडमिट करवा दिए सर, और बॉटल लगवा दिए, वो पड़ते थी सर तो चल दिए सर यहाँ से। क्या बोल के गए? कुछ नहीं बोले सर, भर्ती करवा दिए, सीना में दर्द ज्यादा बढ़ा तो सर मैं नर्सों के पास गया, नर्स बोलती हूँ पर नर्स है उसका काम वो करेंगी, हमारे पास भीड़ है हम नहीं जा सकते, हाथ जोड़े सर रोते रहे, कोई नहीं है। आखिर मेरे पिताजी को कहाँ गए लोग वाले? वो 4 साल पहले मेरे बड़े पिताजी को भी खाए सोलंकी सर ने, टीबी की इलाज करके और उनको इन्फेक्शन था, टीबी को इलाज करके खा गए थे सर, आज मेरे पिताजी को खा गए। अनाथ कर दिए सर मैं। मेरा नाम रामलंग चौक से है। भाई को घर में सीना में दर्द हुआ था, हम लेके आए अस्पताल, डॉक्टर साहब के घर गए, घर आने के लिए यहाँ अस्पताल आए, यहाँ डॉक्टर साहब मेरे पढ़ते थी जी, तो उन्होंने देखे कर बोले भर्ती कर दो, और अभी हम बताते कैसा क्या है, तो भर्ती कर दिए और वे चले गए घर खाना खाने के लिए, तो हम वहाँ पहुँचे और वहाँ से नहीं आ पाओ इतने में। तो क्या लगता है आपको, अस्पताल की लापरवाही थी क्या? अब लापरवाही मैडम लोगों की, उनसे हम बोल रहे हैं मैडम चल कर देख लीजिए कि इंजेक्शन जो बोले वो इंजेक्शन लगा दो, चल कर देखो, बता ना हम नागपुर या जबलपुर ले जाएंगे, पर कोई भी मैडम आने के लिए खाली नहीं था, नहीं ऑक्सीजन लगाया उन लोगों ने, हो सकता था ऑक्सीजन लग जाए तो